इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में भी अब सनातन धर्म की झलक दिखने वाली है। दरअसल यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। ये मंदिर इतना भव्य और विशाल बना है जिसको देख हर कोई हैरान हो रहा है। बता दें कि मंदिर का उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इतने भव्य मंदिर को 90% वाले मुस्लिम देश में किसने बनवाया, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अब यूएई में भव्य और विशाल मंदिर का उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। इस मंदिर का नाम बीएपीएस हिंदू मंदिर रखा गया है। चलिए अब जानते हैं कि 90% वाले मुस्लिम देश में किसने इतने भव्य मंदिर को बनवाया। कौन है वो शख्सियत? हम जिस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं वो महंत स्वामी महाराज हैं। ये बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के छठे और वर्तमान आध्यात्मिक गुरु हैं। महंत स्वामी महाराज का जन्म 13 सितंबर 1933 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम देही बहन और पिता का नाम मनी भाई नारायण भाई पटेल है। महंत स्वामी महाराज अपने छात्र जीवन में मेधावी छात्र थे। वहीं उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई जबलपुर के क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। पढ़ाई के बाद महंत स्वामी महाराज अपने मूल शहर गुजरात के आनंद आ गए थे। यहाँ उन्होंने कृषि महाविद्यालय में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही महंत स्वामी महाराज जी की मुलाकात ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी योगी राज महाराज से हुई। बाद में ही इन्होंने महंत स्वामी महाराज को अध्यात्म का रास्ता दिखाया। मंदिर की क्या है खासियत? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के पास इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अबू धाबी के पास स्थित ये मंदिर न केवल इस देश में अपनी तरह का पहला मंदिर है, बल्कि पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। पूरी दुनिया में इसे बैप्स हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है, जो कल ही यूएई पहुंच चुके थे। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।